क्या आप जानते हैं कि आपको होने वाली 70% बीमारियों के लिए इनसोम्निया यानी नींद का ना आना जिम्मेदार होता है। नींद का ना आना आपकी उम्र को तो कम करता ही है, साथ ही साथ ये आपके शरीर को काफी सारी गंभीर बीमारियां फ्री में दे जाता है। अगर आप रात को अच्छे से नींद नहीं ले पाते तो इसे सामान्य बिल्कुल ना समझें। नींद ना आना या लंबे समय तक ना सो पाने की समस्या को अनिद्रा यानी इनसोम्निया कहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इनसोम्निया क्या होता है, इससे आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसके होने के लक्षण क्या होते हैं और कारण क्या होते हैं, और अंत में मैं आपको एक ऐसा सप्लीमेंट भी बताऊंगी जिसे अगर आप लेते हैं तो आप नींद ना आने की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अनिद्रा की समस्या लंबे समय तक होने पर ये जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। पहले आपको बता देते हैं कि क्या है इनसोम्निया। इनसोम्निया स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बड़ी समस्या है जो हर उम्र के पुरुष और महिलाओं को हो सकती है। इनसोम्निया आपके शरीर को कई तरह से प्रभावित करती है। ये गंभीर बीमारी है जिसे लोग अक्सर पहचान नहीं पाते। जो लोग ढंग से सो नहीं पाते उन्हें डायबिटीज और दिल की बीमारियां बहुत जल्द ही अपना शिकार बना लेती हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि अनिद्रा और नींद संबंधी अन्य विकारों के कारण डायबिटीज और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इस समस्या का पता न लगने और निदान न होने पर हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस बीमारी के कई लक्षण दिखते हैं, लेकिन आप इन लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं। थकान के साथ जागना, दिन भर सुस्ती का एहसास होना, चिड़चिड़ापन और मिजाज में बदलाव इसके मुख्य कारण हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खान पान की कुछ आदतों की वजह से नींद आपसे दूर भाग जाती है? नींद ना आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अनिद्रा के कई कारण हो सकते हैं, इसमें से कुछ आम कारण हैं: मानसिक तनाव, अधिक क्रोध, चिंतन करना, अधिक उत्तेजना, कब्ज, धूम्रपान, चाय और कॉफी का अत्यधिक सेवन करना, आवश्यकता से कम या ज़्यादा खाना खाना, मसालेदार भोजन का सेवन करना। ऐसी चीज़ें आपसे नींद को दूर कर देती हैं। अनिद्रा के पीछे टेस्टोस्टेरॉन जिम्मेदार है। एक शोध में पाया गया है कि टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा 30 साल की उम्र होने के बाद आपके शरीर से हर साल 1% की दर से घटती है। शोध के मुताबिक 50 साल की आयु के बाद ये दर और भी तेजी से घटती है, जो अनिद्रा को बढ़ावा देती है। अब आपको बताती हूँ कि एक दिन में कितनी नींद जरूरी होती है। डॉक्टर की माने तो 18 से 40 साल के लोगों के लिए एक दिन में 8 घंटे सोना जरूरी होता है, और 40 से 50 साल के लोगों के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक होता है। 50 साल से अधिक उम्र होने के बाद नींद कम आने लगती है और आदमी किस्तों में अपनी नींद पूरी करने लगता है। अगर आपको भी इसी तरह की दिक्कतें हैं तो आप सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं। वैसे तो नींद आने के लिए मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन दवाइयों को लगातार लेते रहने से आपको कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैं यहाँ आपको वेस्टीज कंपनी का मेलाटोनिन ओरल स्प्रे लेने की सलाह दूंगी। मेलाटोनिन ओरल स्प्रे एक नेचुरल नींद लाने में आपकी मदद करता है और आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, और इसकी आपको आदत भी नहीं पड़ती है। इसको यूज करना बहुत ही आसान होता है। आपको इसे सोने से आधे घंटे पहले अपने जीभ के नीचे 3 बार स्प्रे करना है। इससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है और आपकी मॉर्निंग अच्छी और रिफ्रेश होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।